अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो मैं आज जो है बनाने जा रही हूँ मटर का पराठा। तो ये हमारे पास हरे मटर हैं, ताज़े मटर हैं। तो हमने इस कप से 2 कप लिया है, ठीक। इसको साफ कर लिया, धुल लिया है। तो ये बाइंडिंग के लिए हमने 2 टीस्पून बेसन लिया है, 1 इंच अदरक है और 4 हरी मिर्ची है। हमने इसको बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये थोड़ी सी धनिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज और ये थोड़ा सा आधी टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया है अक्खी धनिया, 1 टीस्पून जीरा और ये देखिए 3 टीस्पून है धनिया पाउडर, ये हमने घर में बनाया है। और 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच और आधी चम्मच हल्दी। तो मैं पहले इसको रोस्ट कर लेती हूँ। ये हमने इसको रोस्ट कर लिया है 1 से 2 मिनट स्लो आंच पे। तब मैं इसको जार में डाल दूंगी। हमने जार में मसाला, अक्खा मसाला जो हमने सौंफ और जीरा धनिया लिया था उसको डाल दिया है जार में। अब जो है मटर डाल दूंगी इसमें, इसमें मटर डाल देती हूँ। ये मेरा मटर पीस कर हो गया है तो मैं इधर कढ़ाई रख दी हूँ। 1 चम्मच में इसमें घी डाल दो। मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ 1 मीडियम साइज का। अब मैं इसमें अदरक और जो हरी मिर्च था वो डाल देती हूँ। 1 इंच अदरक लिया था मैं। प्याज हो गया है तो अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी जो हमने पीसा था अभी। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ 1 टीस्पून। ठंडी के मौसम में इसके तो पराठे बहुत मजे के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनता है मटर का पराठा। तो हम इसको स्लो आंच पे पकाएंगे अच्छे से। हमने कच्ची मटर पीसा था, आप चाहें तो इसको उबाल के भी पीस सकती हैं। इस मटर को उबाल लीजिए तो फिर पीस लीजिए, फिर इसी प्रोसेस आप बनाइए। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूंगी। तो ये हमने अमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो अगर चाट मसाला आप डालिए तो नमक जो है कम डालिए। तो मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, 2 से 3 मिनट तक फिर इसको पकाएंगे इसी में स्लो आंच पे, ठीक। आप इस तरह से मटर चेक कर सकती हैं। तो ये देखिए मटर गल गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए, इसको अच्छे से मिलाऊंगी। तो ये देखिए मेरा ये भून के हो गया है। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल दूंगी। और मेरी टिफिन बनकर तैयार हो गया है, ठीक। और फिर आगे प्रोसेस में बताती हूँ। गैस ऑफ कर दिया मैंने। मेरी स्टिपिंग तैयार हो गया है। तो मैं जो है पराठा बनाने जा रही हूँ। तो ये हमने आटा को गूंद लिया है, इसमें नमक थोड़ा से और जो है थोड़ा से ऑयल डाल के, ठीक। तो मैं जो है वो बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने इसमें इसको ऐसे भरना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है। आपको पता भी नहीं चलेगा हमने किधर से भरा है किधर है, ये देखिए। आप इसको बेल के भी बना सकती हैं और ऐसे ठोक के। तो ये देखिए हो गया है। तो मैं इसको कढ़ाई तावा पे डाल देंगे। तो हम इसी तरह से सारे भर के बनाएंगे, ये देखिए। तो ज्यादा से तब इसको पलट दूंगी।
तब मैं इधर घी लगा रही हूँ इस पे, आप तेल भी लगा सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्रिस्पी पराठा बन रहा है और फूला फूला से। ये देखिए मेरा पराठा अच्छे से हो गया है। अब मैं ये दूसरा बना रही हूँ। ये देखिए मेरा ये दूसरा पराठा भी गया। ये देखिए कैसे फूल रहा है पराठा, ये से गुब्बारा फूल रहा है। ये देखिए मेरे पराठे बनके तैयार हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी बने, इसकी आवाज सुनिए। देखिए मेरे पराठे सारे माशाल्लाह से ऐसे ही फूले फूले बन रहे हैं। हम इसको बेल के नहीं बना रहे, हाथ से बना रहे हैं। सारे पराठे बनके रेडी हो रहे हैं, लास्ट पराठा बचा हुआ है। अब जो स्टफिंग बची है तो मैं इसका टिक्की बनाएंगे, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ बना के। पराठे मेरे बनके तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए जो हमारे बचे हुए थे तो हमने इसकी टिक्की बना लिया है, तो इसको सिलो आज के सेकेंगे। ये देखिए इसको सारे से ये हमने राई के तेल में बनाया है। ये देखिए ये मेरा राई का तेल इसी में बनाया है। टिपिंग देखिए अंदर कितना माल भरा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा से। और ये हमने चटनी बनाया है इससे खाने के लिए, और बहुत टेस्टी बना है। हाँ बताइए कैसे बना है? बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, आप भी खा के देना। और कमेंट में बताइए कैसे बना है। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सी यू।